I would be Shaitani Rajim, Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatahu, my dear brothers and sisters, those who are watching me and listening to me. Uh, today is a Friday. Congratulations. May Allah wa accept your prayers and the supplications and the ibadah of uh, Friday. Friday is considered as a yom al Eid. It's considered as a Eid. Now today's uh, translation of the today's Khutbah sermon pravachan is a very simplified. Anyone can understand that Prophet Muhammad peace and blessing be upon him. Uh, he said that uh, Allah azawajal has forbidden to cut off the relationship. Amongst your all relatives, whether relatives are nearby, a near one, or whether maybe the relatives even a farthest one, the grandpas of both mom and dad, the brothers, sisters, auntie, uncles, maternal uncles, paternal uncles, paternal auntie, maternal auntie, all those are considered in akrab. Akrab means kareem, sadar. Let me come to the Urdu in Indian language so that the people they understand. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम के रिश्ते रहम जो सिला है रहम सिला है उसके रिश्तों को वो रिश्ते वाजिब है या नहीं अल्लाह जल फरमाते हैं ये रिश्ते बिल्कुल वाजिब है और इनको मुनकता करना बहुत बड़ा गुनाह अज़ीम है बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह हम सब की हिफाजत करें कि सिला रहमी को मुनकता ना करें हैं उसमें जिसके अंदर शुमार होता है दादा दादी का नाना नानी का कोर्स माँ बाप तो हैं ही हैं साथ में आ, वो हमारे भाई चाचा जात बात फूफी जात हैं भाई बहन और हमारे आ, खालू खाला मामू, मामू मामा मामा मामू मामानी फूफा पुप्पी और हमारे चाचा चाची और हमारे उनके जितने भी बच्चे हैं हमारे सारे भाई बहन हैं हमारे हैं और ये जो रिश्ते हैं इनको काटना बिल्कुल शराइन इजाजत नहीं दी खातिब ने बहुत जोर दिया आज के माशा आज के खुतबे का उनवान ही ये था the title of today's, uh, ज, was this, that don't ब्रेक अप द relations रिलेशनशिप और डोंट कट इट ऑफ इट इज इट इज शरीहन वाजिब वाजिब लेट से फर्ज है प्रॉफिट मोहम्मद सलोसम से मेक सलाम सेल्यूटेशन कॉमन अफसुस सलाम मेक सेल्यूटेशन कॉमन डू नॉट बी एरोगंट इवन यू मे बी द रिच और मल्टी मिलियनर बिलियनर Do not cut relationship with your poor people, poor relatives. They may be poor, but near Allah in taqwa they may be the highest degree holder people. So do not cut the relationship. Afs salam, even they are small the, see, there is a category. The small younger will say salam to the elder. The one who is coming out from the outside in your house will say the salam. दन सेन इजन डाउन ये कैटेगरी है कि सलाम अल्लाह के रसूल सल्मा ने फरमाया कि सलाम को आम करें कॉमन करें उसमें कोई छोटा बड़ा ना हो चाहे आप मल्टी मिलियनर हो कोई भी हो आप लाखोपति हो करोड़पति हो यह तुम्हारा अपना है माल वाल जो है अलमालमन अजीन हयात दुनिया ये जो माल और जो औलाद है तुम्हारे बेटे हैं ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है सूर्य काफ की बहुत खुल करके आया अल्लाह से उजल ने इसमें फरमा दिया और जो बाकी रहने वाली चीज़ है वो अल्लाह से उजल के करीब में जो है वो आपके नेक आमाल हैं नेक साल हैं और उसका खैर और अजर है तो आप लोगों को मिलेगा इनशा बिजली मगर अफसलम रिश्तों को नातों को ना काटें जब भी कोई भी खातिब पूरी दुनिया में खुतबा देते हैं कोई भी ज़बान का हो चाहे चाइनीज़ हो चाहे अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिश ब्रिटिशर्स हॉलैंडी हो, पोलैंड नीदरलैंड फ्रांस जर्मन अफ्रीका इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल जो भी मुल्क का खातिब हो अरब हो जो भी हो अजम हो जो भी हो वो जुमा के रोज़ अल्लाह के रसूल रसुलसम की सुन्नत पर अमल करता है कि वह तीन आयतें ज़रूर उसे पढ़ता है सबसे पहली आयत ही सूर्य की है जिसके अंदर आयत नम, आयत का भी नंबर वन है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ये जो रहम के रिश्तों को मुनकता करने से मना फरमाया अल्लाह के अल्लाह जल ने इस आयत के अंदर बिल्कुल मना है और रकब रकब राब कहते हैं मुराकब मुराकब यानी देखने, देखने वाले को गार्ड को अल्लाह तुम लोगों को गार्ड किए हुए हैं हैं अल्लाह तुम्हारा गार्ड कर रहा है देखभाल कर रहा है सुरक्षा कर रहा है रहम के रिश्तों को खबरदार अगर काटा तो जिसमें नाना नानी दादा दादी फूफा फूफी खाला खालू खालू खाला मा, मामो ममानी चाचा चाची भाई बहन जो हमारे जो कजिन को आप बोलते हैं मैटरनाना अंकल पेटरनाना अंकल ग्रांड मा ग्रांड ना सारे लोग इसके अंदर आते हैं और अकराब अकराब यानी करीबी रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार कोई भी हो रिश्तेदार हो ये हम के रिश्तों को काटने के लिए मना फरमाया फरमाया अब सलाम सलाम को आम करें कॉमन करें आप और उसमें कैटेगरी बताई कि जो बाहर से आने वाला है वो अंदर अंदर जो है उसको सलाम करेगा जो खड़ा है वो बैठे हुओं को सलाम करेगा <coughs> जो जवान है नंग है वो बड़े बड़ी उम्र के लोगों को सलाम करेगा सबसे पहले और वो अल्लाह को वो दोस्त बहुत पसंद है और वो अर्श के रो अर्श के साय के नीचे होंगे योम क्यामत में जब वो क्यामत का दिन की एक दिन की मकदार वमसूना अफसाना वह खमसुना अल्फसाना और वह पचास हजार साल की मकदार का होगा और अफरा तफरी का माहौल होगा और ऐसे हा, 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 हालात के अंदर वो जो दोस्त जो आपस में मिलेंगे और सबसे पहला जो सलाम करेगा वो अल्लाह के अर्श के सए के नीचे होगा अल्लाह उसको बहुत पसंद फरमाते हैं और फरमाया कि रहम के रिश्तों को ना काटें और फरमाया कि अफसो सलाम व तयम हैं सिला व सिला रहम और ये जो रहम के रिश्ते हैं ये बिल्कुल काटना ममनू है फरमाया अलकाती जन्न ये जो रह के रिश्तों को काटने वाला है ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा अ पर्सन हु कट ऑफ द रिलेशनशिप मे बी वॉट्स ओवेवर कॉज मे बी द लैंड और वूमन और और द देल्स और वॉट्स ओवेअर मे बी द वर्ल्ड मटेरियल इफ कट ऑफ द रिलेशनशिप ही इज नॉट गोइंग टू एंटर टू द हेवन Is not going to enter into the Jannah. This is what Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, he clarified very, very clearly. <coughs> Acha. Yes, क्योंकि आयत के अंदर है याबकुम नादा इंसानों जिसके अंदर हिंदू भाई मुस्लिम भाई क्रिश्चियन भाई सिख भाई जैन भाई बुद्धिस्ट भाई जो भी अध्यान का हो जो भी दीन का हो जो भी मजहब का हो सब के लिए कहा गया है यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए ये नहीं है ये कुरानल करीम की आयत आयत का सूर्य का नाम है सूर निशा आयत का नंबर है पहला आयत में सबसे पहले ये आता है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने ये तीनों आयतों को हमेशा पढ़ा अपनी जिंदगी में कभी भी कोई खुदबे के अंदर उसको छोड़ा नहीं जिसमें ये है नास कहा गया या ना आमनु नहीं कहा गया क्या कहा खित्ते का हो काला हो हो अरब हो अजम हो अरब हो कोई भी हो फरमाया अल्लाह से डरो डरने का मतलब मैंने पहले बहुत सारे खुतबों में कहा यानी उसकी इतवा करो उन्होंने अल्लाह ने जो कहा करने के लिए वो करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करने के लिए कहा वो करना जिस चीज से अल्लाह ने और अल्लाह के ने मना फरमा दिया है जैसे कि खुजू मा आते आते नाकुम मेरे रसूली वो चीज ले लो जो अल्लाह के रसूल आपको दे अता फरमाए व ना ही और उस चीज से रुक जाओ जो अल्लाह के रसूल से सब मना फरमा दे। देखो यहां पर मना फरमाया है रहम के रिश्तों को काटना बिल्कुल ही ममनू है और शराइन ये जायज़ नहीं है और फरमाया ये वाजिब है वाजी बेम बोले तो फर्ज है जन्नत और जहन्नम का मसला है जन्नत में अगर जाना है रहम के रिश्तों को ना काटें हैं और है तो सिला सिला रहमी करें सिला रहमी करें रहम के रिश्तों को ना काटें और है तो अफ़सुस सलाम सबसे पहला सलाम करें सलाम को आम करें सलाम को कॉमन करें ये दुआ है सलाम यानी सलामती पीस मैं वह आयत मुकम्मल कर दूं <coughs> जो हमारे सभी पूरी दुनिया के लोगों के लिए हैं तमाम कायनात के जितने भी इंस हैं उन सब के लिए है इन जिनों दोनों के लिए है या खलककुम मिन खल वाहिदा ए तमाम इंसानों अल्लाह से डरो तकवा हासिल करो परहेजगारी हासिल करो कि अल्लाह ने तुमको है तो एक ही नफ़्स से आदम मा, मा हुआ और बाबा आदम से पैदा किया है हैं और आ, है तो फरमाया आगे अल्लाह जफल फरमा रहे वक मिन, मिन और उनके जोड़े बनाए वन जालम कसी और उन जोड़ों में से बहुत सारे मर्दों को अल्लाह जल ने तो बनाया सम पीपल से पैदा किया इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड पैदा करना अंग्रेजी में विघर्टन बोलते हैं विलादा बोलते हैं मगर खलक खलक अलग है और पैदा करना अलग है ये इससे बहुत बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक मौलवी साहब ने आकर है तो टीवी के ऊपर कह दिया कि राम को अल्लाह ने पैदा किया दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग Allah को राम ने पैदा नहीं किया बनाया क्योंकि वो इंसान है उनकी पुरान किताब ले लें पुरान के ले लें उनके शास्त्र ले लें है उसमें भी राम को है तो इंसान का दर्जा दिया गया है सिर्फ वो मौलवी साहब की गलती क्या हो गई वो पैदा पैदा बोलते हैं उर्दू में भले पैदा करना हो बट दूसरी जबानों में पैदा करना इज अ डिफरेंट थिंग और बनाना डिफरेंस थिंग खलक करना डिफरेंट थिंग एंड बिगट बिगॉटन बिगेटन ये अलग चीज है सो क्रिएशन इज अ डिफरेंट दैन द बिगॉटन अल्लाह ने पैदा नहीं किया मिसअंडरस्टैंडिंग है जैसे वो मौलवी साहब की गलती हो गई कि वो कह रहे हैं कि राम को अल्लाह ने पैदा किया इसलिए हम राम को नहीं मानते हैं इंसान तो ही मानते तो इंसान ही है वो तो उनकी किताबें भी कह रही हैं हमारे हिंदू भाइयों की शास्त्र भी कह रहे हैं हम्म और वो कहना क्या चाहिए था कि जैसे कि जर्जिस अंसारी साहब ने फरमाया था संस्कृत के श्लोकों के अंदर के उनकी श्लोक में ये लिखा हुआ है या ये कहना चाहिए था वो मौलवी साहब ने जिनको इल्मी ही नहीं था संस्कृत का ना अपनी जब ना दूसरी जबानों का बस वो उर्दू का तर्जुमा इस तरह से करती है अरबी का उर्दू में और उर्दू वो अरबी जबान बहुत वसी है और फसी है कारण कहना क्या चाहिए था कि जो अल्लाह अजल हैं या जो भगवान जी इनको ये कहते हैं या ईश्वर जी इनको कहते हैं है, वो मनुष्य के अवतार में नहीं आते हैं हैं वो मनुष्य के अवतार में कभी भी नहीं आते हैं हैं अल्लाह जवजल जो है वो कोई चांस भी नहीं है ऐसा कि इंसान की शक्ल में आ जाए हैं तो वो जो जो अवतार जो था मनुष्य का मनुष्य के अवतार में ईश्वर 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 तो का ईश्वर तो का मनुष्य के रूप में अवतरित होना ये इस्लाम में नहीं है ये इस्लाम इसकी मना, मना मजम्मत करता है ये सही वर्ड नहीं है ईश्वर तो का है मनुष्य के रूप में अवतरित होना ये इस्लाम नहीं मानता है तो वो उनके मुंह से क्या निकला है? वो मौलवी साहब के, के आ, राम को अल्लाह ने पैदा किया नहीं यहाँ पर अल्लाह सब फरमाते हैं कि हमने आदम इस्लाम और माह को बनाया पैदा नहीं किया खलक करी उसकी खलक किया क्रिएशन किया बनाया अपने अमर से अपने हुक्म से है और फिर उसमें रूह फूकी और है तो वो उनमें से फिर है तो वालम कसी और उनमें से बहुत सारे मर्द और औरत है तो बनाए तो ये एक ही इंसान से बने हैं सारे के सारे अल्लाह फिर, फिर फरमाते मजीद आगे

और अल्लाह जब फरमाते इन रकीबा और बेशक अल्लाह जबजल आपके ऊपर मुराकब है गाढ़ है वो नजर रखता है तो अल्लाह जल फरमाते हैं कि रहम के रिश्तों को ना काटना अभी खातिब ने कहा कि वो बिल्कुल शरीयत तौर पे जायज़ नहीं है और ये वाजिब है कि हम अपने राम के रिश्तों को निभाएं बनाए रखें हैं दुनिया की थोड़ी सी दौलत के लिए माल मत्ता के लिए अपने घरूर के लिए अपने रुतबों के लिए अपने स्टेटस के लिए हैं रहम के रिश्तों को ना काटना बस इसी के साथ मैं बस करूंगा थोड़ा सा खुदबा तवील हो गया आई मीन मेरा बयान करने का वो थोड़ा सा तवील हो गया क्योंकि बीच में हमने है तो वो मौलवी साहब की जो गलती हुई हिंदुस्तान के अंदर जिसकी वजह से बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से वो वो स्लोगन बाहर आया कि बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम है? और ऊपर से एक गांव के देहाती आदमी ने यूपी का था वो उसको वो बैठ करके किसी ने उसका वीडियो बनाया वो बोलता है कि मैं बताऊं क्या अगर राम को अल्लाह ने पैदा किया तो मैं बताऊं अल्लाह ने किस को पैदा किया देखो वो आदमी के मुंह से क्या निकल रहा है अल्लाह अजल ने रसूल को मना फरमाया कि इनके महबूदों को किसी के भी महबूदों को बुला बुरा भला ना बोलो कहीं ये तुम्हारे असली महबूद को जो हकीकत है जो सबका मालिक एक है हैं और उसके सिवा और कोई भी नहीं है आ, मालिक वो वो ब्रहमा एक है हैं वो जिसने ब्रह्मांड की रचना की वो अल्लाह एक है जिसने पूरी कायनात को बनाया हैं उसको कहीं कोई, कोई अल्लाह अजल को कोई उसकी शान में गुस्साखी ना कर बैठे तो वो जो गांव का देहाती था उसको किसी ने वीडियो लेके बताया मोबाइल से उसकी वीडियो बनाई छोटी सी और वो बोल रहा है कि देखो ये राम ये बोल रहे हैं कि राम को अल्लाह ने पैदा किया इसलिए हम राम को नहीं मानते हैं दरअसल मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो है ईश्वर ईश्वर तो का मनुष्य के रूप में अवतरित होना ये हम नहीं मानते हैं ये जो जो भी तोहहीद वाला है ये नहीं मानेगा अल्लाह ईश्वर भगवान गौड ये किसी भी मनुष्य के रूप में अवतरित नहीं होता है पृथ्वी के ऊपर उसको जरूरी थी जरूरत ही नहीं है उसका तो अर्श जो है वो जमीनों और आसमानों से वसी है है और जमीन तो नुकता है एक छोटा सा डॉट है डॉट यार जिसमें हम लोग रह रहे हैं जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं है और वो है तो ईश्वर तो का मनुष्य के रूप में अवतरित होना इस्लाम में जायज नहीं है वो जो देहाती का वीडियो बनाया तो वो देहाती बोल रहा है देखो देहाती बीड़ी पी रहा था वो, वो मेरे ख्याल से थोड़ा पुराना हो गया मगर आप लोग ढूंढ सकते हैं उसको बीड़ी पीते पीते उसको पूछा कि ये बोल रहे हैं कि राम को अल्लाह ने पैदा किया तो वो बोलता मैं बताऊं कि अल्लाह को किसने पैदा किया वो बोले ये ये जो नदी के अंदर मल्हार होते हैं वो मल्हार है तो जा रहे थे पंद्रह बीस मल्हार थे और उसके साथ में एक मल्ली मल्लीहारी थी वो मल्ली के ऊपर वो मल्ले सारे टूट पड़े तो उससे है तो अल्लाह पैदा हो गया देखो कितनी बड़ी गुस्ताखी हुई जस्ट बिकॉज नॉट नोइंग द लैंग्वेज नॉट यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स नॉट नोइंग हाउ टू एक्सप्लेन इट और ये मीडिया वाले हैं मीडिया वाले किसी भी मौलवी को पकड़ कर खड़ा कर देते हैं या किसी भी आदमी को जो मेकअप में दिखाई देता है उसको स्कॉलर का डिग्री दे देते हैं दरअसल स्कॉलर की डिग्री सबसे अलग चीज है, है ऐसे छोटे मोटे जो भी कोई भी टीवी के ऊपर आकर के कुछ भी बोल देते हैं डोंट बिलीव इट अनटिल एंड अनलेस यू वेरीफाई दैट द पर्सन इज अ रियली स्कॉलर और नॉट इसके इसी के साथ मैं बहस करता हूँ ये मिस अंडर को क्ले, क्लेरिफाई करना मेरा आज का मकसद भी था और है तो ये ख़ुबे का बहुत बड़ा अच्छा उन्वान था आज का कि सिलामी को मुनकता ना करें हैं इसी के साथ है तो वसल खैर खल की रब रब इज़्जतीम वसलामर सलिना वह रबलमिन साथ में छोटी सी दुआ भी कर लेते हैं اللهم وانصر كل مجاهدين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان كل بلاد كل مناطق الدنيا يا رب العالمين اللهم وانصرهم وانصرنا فإنك خير الناصرين اللهم يحفظهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم فاغفر لهم وفاغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم يرزقهم وارزقنا أحسن الرزق في الدنيا وأحسن الرزق في الآخرة فإنك خير الرازقين اور الله ہمارے مسلمان بھائی بہن भाई बहन हमारे आ, बच्चे जो मुसलमानों के हैं वो परेशान हाल में हैं एल्ला बच्चे बूढ़े सारे परेशान हाल है एल्ला तो उन पर रहम कर एल्ला उन पर फ़जल कर एल्ला परम पर कर एल्ला तो मुहाफिज़ है उनकी हिफाजत कर एल्ला तो रज़ाक है उनको रिश्का फरमा बेहतरीन रिज़का फरमा दुनिया में भी आखिरत में भी एल्ला तो गफ़ार है एल्ला हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दे इकट्ठा करके गुनाहों को माफ़ कर दे यार बब तेरे ख़जाना में किसी चीज़ की कमी नहीं है अपने गैब के खजाने से हमारी इमदाद कर मदद कर अभी आ, मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा अपने भाई का उनका नाम है आ, सर माइकल जीवा साहब उनके हेतो सौ जन्ने से हमें एक छोटी सी छोटी सी फोटो या ये मिली है क्लिप जिसके अंदर उन्होंने बरोबर खुल के बयान किया बताया कि वन पॉइंट फाइव मिलियंस मुस्लिम्स जियांग जी, नाम के प्रोविंस के अंदर चाइना के अंदर पंद्रह लाख मुसलमानों को बूढ़ों को बच्चों को औरतों को मर्दों को है तो है तो वो कैद के अंदर कर रखा है डिटेंशन सेंटर में डाल रखा है बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया ताकि वो है तो आ, वो अपने मज़हब को भी भूल जाएं और दाढ़ी के ऊपर है तो उन्होंने अटैक किया बुरख हिजाब के ऊपर अटैक किया अल्लाह जल ने अपने खजाने से जो फिर के ऊपर फिरौन की कौम के ऊपर फिरौनियों के ऊपर जो अजाब नाजिल किया था कितने किस्मों के अजाब थे उसमें का एक अजाब ये भी था जो आज कोरोना वायरस के नाम से बहुत आम और कॉमन हो गया है पूरी दुनिया को इससे थ्रिट है है ये अल्लाह जज की तरफ से दुआ करें कि हमारे भाइयों को बहनों बेहन, को

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسی کے ساتھ بھائی محمد یعقوب کو دعائے خیر میں ضرور سے والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته